हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बिचिज कुक विद हिमानवी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्रत में खाई जाने वाली इडली और चटनी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर व्रत में ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए समा के चावल। मैंने यहाँ पर 1 कप समा के चावल का इस्तेमाल किया है। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि मोरियो, भगर, मोरधन, सामो। तो आप ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा आसानी से। और मैंने यहाँ पर 1/4 कप साबूदाने का इस्तेमाल किया है। इन दोनों को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है और इन्हें अच्छी तरह से साफ भी कर लिया था। पानी में 3 से 4 बार हमने इसको निकाला है। समा के चावल का हम पानी निकाल कर उसे साबूदाने के साथ पीस लेंगे। इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह मैंने यहाँ पर 1/4 कप दही का इस्तेमाल किया है और हम इसमें व्रत वाला नमक यानी कि सेंधा नमक 1 बड़ी चम्मच डालेंगे। आप नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसका टेक्सचर जो हो वो इस तरह से होना चाहिए, ये रिबन की तरह नीचे गिरना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और इसकी इडलियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम इस सारे पेस्ट को निकाल देंगे। मिक्सी के जार में लास्ट में जो पेस्ट रह जाता है उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी डाल देंगे, क्योंकि हम वेस्ट क्यों करें खाना। इसे हम थोड़ी देर के लिए अब साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक हम अपनी चटनी का बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप नारियल का इस्तेमाल किया है। 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर ड्राई रोस्टेड पीनट्स का इस्तेमाल किया है। मैंने इनको तवे पर रोस्ट कर लिया था और इनका छिलका निकाल लिया था। अब हम यहाँ पर 2 बड़े मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो कम मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। आप इसे अपने स्वाद के हिसाब से डालें। हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें पानी कम इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा। मुझे ये चटनी का कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर और पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चटनी बनकर तैयार हो गई है। चटनी पर अब हम तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें हमने 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। घी के गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें अब हम करी पत्ते डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 करी पत्तों का इस्तेमाल किया है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने अब 2 लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप व्रत में लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। अब हम तड़के को चटनी पर डालेंगे। तड़का डालने के बाद चटनी कितनी अच्छी दिख रही है। चटनी को तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम अपनी इडली बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने इडली स्टैंड में थोड़ा सा पानी लिया है। हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी है। इसे एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा खाना सोडा और इसमें नींबू डालकर इडली के बैटर में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे। आप चाहें तो 1 पाउच इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खाना सोडा डालने के बाद इसे हमें बहुत देर तक नहीं रखना है। तो चलिए हम इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि व्रत में बहुत से लोग तेल नहीं खाते हैं। घी से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेने के बाद
हम इसमें बैटर का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बैटर इसमें चिपकेगा नहीं और हमें इडली बनाने के बाद इसे निकालने में बहुत ही आसानी होगी। ग्रीस करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डाल देंगे और इसे स्टैंड में रख देंगे। इसे हमने स्टैंड में रख दिया है और कम से कम हमें 10 से 12 मिनट तक इसे पकाना है जिससे कि इडलियां अच्छी और सॉफ्ट बने। अब इसे हम कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट बाद हमारी इडलियां तैयार हैं। ये देखिए चटनी के साथ इसे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये व्रत के लिए एक नई रेसिपी हो गई है आप लोगों के लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, इसकी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी हर वीडियो पर इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।